हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कमलेश चौधरी, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। आज हम मिड सेशन टेस्ट सीरीज फॉर जेई एडवांस 2022 का पेपर नंबर 5 out of 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स में अपने टॉपिक्स है रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स। तो सेक्शन ए पे आते हैं। सेक्शन ए के अंदर हमें एक पैराग्राफ गिवन है। पैराग्राफ में डेटा दे रखा है कि एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक मीडियम के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 है। लाइट जो है उसका वेवलेंथ गिवन है 600 नैनोमीटर और ये एक स्लिट पे फॉल हो रहा है जिसका सेपरेशन स्लिट्स का सेपरेशन है 0.45 mm, और जो लोअर स्लिट है S2 उसको कवर कर दिया एक थिन ग्लास शीट से जिसकी थिकनेस है 10.4 माइक्रोमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो स्क्रीन पे मिल रहा है जो 1.5 मीटर डिस्टेंस पर है स्लिट से। जो सारी वेवलेंथ है इस प्रॉब्लम में जो गिवन है वो मीडियम के अकॉर्डिंग है 4/3 के अकॉर्डिंग, और डिस्पर्जन जो है उसको इग्नोर करना है इसके अंदर। अब देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में बोल रखा है कि लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑन वाई एक्सिस। तो सेंट्रल मैक्सिमा किसको बोलते हैं? तो सेंट्रल मैक्सिमा होता है जहां पे टोटल पार्ट डिफरेंस जीरो हो, या फेज डिफरेंस बोल दो तो दोनों स्लिट से जो वेव्स पहुंच रही है उनका फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए। तो अप्लाई करते हैं वो कॉन्सेप्ट, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, YDSE के अंदर दो स्लिट S1 S2 इनके बीच में हमें सेपरेशन गिवन है। स्क्रीन पे सेंटर से किसी डिस्टेंस पर एक इसके सामने एक थिन फिल्म रख दिया है, और किसी एक पॉइंट पर दोनों की वजह से अगर यहां पर सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है तो सेंट्रल मैक्सिमा पे दोनों की वजह से पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाना चाहिए। तो पार्ट डिफरेंस लिखें, तो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस, ये वेव एक्स्ट्रा चल रहा है तो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस हो गया वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, जहां वाई का मतलब ये है स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस, स्मॉल डी ये डिस्टेंस है, कैपिटल डी ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है। तो इतना ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस, फिर इस स्लैब की वजह से या शीट की वजह से ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस और आ जाएगा जिसकी वैल्यू है μ-1 × t। अब दोनों ही केस में इसमें ही पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा बढ़ रहा है तो इसको ऐड कर रहे होंगे इक्वल्स टू जीरो। तो एक्चुअल में इन दोनों का एडिशन जीरो तभी पॉसिबल है जब ये वाई की वैल्यू नीचे हो। तो एक्चुअल में ये सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन यहां पे नीचे की ओर मिल रही होगी। अब देखते हैं यहां पर ये जो पूरा हमने रिजल्ट लिखा है हम एयर के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तब ये रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मीडियम के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो अगर मीडियम के अकॉर्डिंग लिख रहे हो तो यहां पे म्यू का मतलब है म्यू रिलेटिव। इस शीट का इस लिक्विड के अकॉर्डिंग, जिस लिक्विड में इसको परफॉर्म किया है उसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका। अगर एयर से कंपेयर करके लिखना चाहते हो तो एयर के अकॉर्डिंग लिख दो, यहां पे ये रिलेटिव है। एयर के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो यहां पे ये म्यू आता, म्यू मीडियम का, और यहां पे म्यू आर माइनस म्यू मीडियम रहता, मतलब यहां पे एक टर्म ऐड होता म्यू मीडियम, एक यहां पे टर्म ऐड होता म्यू मीडियम, ये रिलेटिव के बजाय म्यू रहता उस शीट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और पूरे म्यू से डिवाइड करते तो ये इक्वेशन वापस बन रहा होता था। तो ये सेम रिजल्ट है तो इसलिए इसको हटा देते हैं और कंपेयर कर लेते। तो वाई की वैल्यू आ गई नेगेटिव इसलिए क्योंकि नीचे की ओर आएगा, तो म्यू रिलेटिव नेगेटिव साइन नहीं देख रहे, रिलेटिव इस शीट का है 3/2 शीट का डिवाइड बाय मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू रिलेटिव के लिए वो है 4/3 -1। शीट की थिकनेस हमें गिवन है 10.4 माइक्रोमीटर, और कैपिटल डी मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिफरेंस था 1.5 मीटर, डिवाइड बाय स्क्रीन की स्लिट्स के बीच में सेपरेशन जो है वो है 0.45 mm। तो इसके बेसिस पे mm को रिप्लेस कर दो 10^-3। यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, अदरवाइज साइन वाइज ये नेगेटिव है। तो ये वैल्यू आ जाएगा 9/8 -1 1/8 इनटू 10.4 इनटू 1.5 से इसको कैंसिल कर दो 1.5 0.3 टाइम्स, तो डिवाइड बाय 0.3 और इनटू 10^-6 -3 तो -3 आ जाएगा। यहां से 8 1 24 तो 3 ये आएगा
और 3 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 4 और 0.33 और 10^-3 है mm, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस पोजीशन पर सेंट्रल मैक्सिमा रिसीव होगा। देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच होता है, तो ऑप्शन है 4.33 mm, फर्स्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी पैराग्राफ के सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में ये दे रखा है कि लाइट की इंटेंसिटी सेंट्रल पॉइंट पर, स्क्रीन के सेंट्रल पॉइंट पर रिलेटिव टू मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी। अब सेंटर पर पूछा हुआ है, सेंटर पर मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इंटेंसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो इंटेंसिटी के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे आई इक्वल्स टू मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू। फाइव है फेज डिफरेंस, उन दोनों स्लिट से जो वेव्स पहुंच रही है उनके बीच में फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, सेंट्रल के लिए बात कर रहे हैं, स्क्रीन के सेंटर वाले पॉइंट के लिए, तो स्क्रीन के सेंटर पर ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस आएगा ना, केवल ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आएगा। तो डेल्टा फाई 2π/λ, डेल्टा एक्स की जगह लिख दिया म्यू रिलेटिव -1 इंटू टी। अब देखो यहां पर ये हमने पार्ट डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू मीडियम लिखा हुआ है, तो यहां पे वेवलेंथ भी विद रेस्पेक्ट टू मीडियम ही है, ठीक है। तो दोनों मीडियम के रिलेटिव हमें पुट करनी है ये वैल्यूज। तो देखते हैं डेल्टा फाइव, लैम्डा दे रखा था 6600 नैनोमीटर, ये हो गया। रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इस स्लैब का या शीट का जो है वो है 3/2 डिवाइड बाय मीडियम का वो है 4/3 -1 और थिकनेस इसकी 10.4 माइक्रोमीटर। ये फिर से ये वैल्यू 1/8 आएगा, 1/8 से इसको कैंसिल करोगे 1.3 वैल्यू आ जाएगी, और बाकी वैल्यूज और देखते हैं, ये आ जाएगा π/3 और 9, 6, 3 और 2 और ले जाए उसमें से, तो ये रह गया 10^ एक मिनट, ये जो वैल्यू आ गया 1.36 हो गया था इंटू 10^ -6 + 3 और 2 कैंसिल किए +1 मीन्स ये 13 रह जाएगा। तो 13 से इसको डिवाइड किया 13 और 3 को, तो वही 4.33 यहां पे आना है, लेकिन 4.33 को मैंने लिख दिया 4π + π/3, तो ये हो गया 12 और 13/3 हो गया, ये वैल्यू आ गई। ये इस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि ये जो 2π का मल्टीपल वाला टर्म हो, ये तो बार बार रिपीट होगा, तो कॉस के अंदर 2π मल्टीपल को तो हटा देंगे, केवल π/3 देखना है फेज डिफरेंस, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अब यहां पे वैल्यू पुट कर रहे हैं इस वाले पार्ट में, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2, डेल्टा 5/2 करेंगे तो 2π के बाद तो रिपीट होना है, 2π वाला टर्म हटा दो, ये हो जाएगा π/6 और cos π/6 होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 आई नॉट। तो ये पूछा था कि इनका फ्रैक्शन क्या है इस इंटेंसिटी का और मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो सेंटर पे मिल रही है, तो इनका रेशियो हो जाएगा 3/4 मींस 0.75, ये रेशियो है इनका। तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है, तो ये इनका रेशियो पूछा था कि इसके कंपैरिजन में कितनी इंटेंसिटी होगी, तो 0.75 सेकंड आंसर इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ सेकंड में एक थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है ये ग्लास का, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 3/2, लेंस का फोकल लेंथ 0.3 दे रखा है, एयर के अंदर है तब, और इसको इस टैंक के अंदर सील किया हुआ है एक एंड पे जो ओपन था, और टैंक को फिल किया हुआ है 4/3 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के वाटर से। अपोजिट साइड जो लेंस का है वो एज ए मिरर की तरह ट्रीट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, और जो परपेंडिकुलर डायग्राम में शो किया हुआ वैसे है। सेपरेशन बिटवीन लेंस एंड मिरर इज 0.8, ये 0.8 गिवन है। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट टैंक के आउटसाइड लेंस के सामने रखा हुआ है 0.45 मीटर, ये इस तरह से गिवन है। तो इसमें अब कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एनी ऑफ द कर्व सर्फेस ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इस लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करनी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिख दें, तो इसकी फोकल लेंथ है 1/f
इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव माइनस वन, एयर में था तो म्यू रिलेटिव म्यू हो जाएगा, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। अब इसका जो इस कर्व लेंस का ये जो कर्व है इसका सेंटर इस साइड होगा, तो रेज अगर इधर से आएगी तो इसका फर्स्ट रेडियस पॉजिटिव, सेकंड रेडियस का सेंटर इधर तो सेकंड रेडियस नेगेटिव, तो फर्स्ट रेडियस पॉजिटिव, तो इसको तो लिख दिया यहां पे 1 बाय आर, नेगेटिव साइन है इसके आगे तो ये पॉजिटिव, इक्वी रेडियस था, इक्वी कॉन्वेक्स था तो बराबर रेडियस, म्यू माइनस वन, म्यू की वैल्यू है 3 बाय 2, माइनस वन करेंगे तो 1 बाय 2, और ये वैल्यू गिवन है हमें 0.3 के बराबर। अब यहां से 1 बाय आर प्लस 1 बाय 2 बाय आर हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर का वैल्यू यहां से 0.3 मीटर आ रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा था 0.3 मीटर ही आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में। तो इस पैराग्राफ के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन मतलब फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें बोल रखा है कि आफ्टर फाइनल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एट ग्लास एयर इंटरफेस, ग्लास एयर इंटरफेस यहां से फाइनली जब रिफ्लेक्ट हुआ तो इमेज किस तरह से अपेयर होगी वो बताना है यहां पे। तो देखें यहां से इस ऑब्जेक्ट से जो रेज चलती हुई आ रही है वो रेज पहले लेंस से पास होगी, फर्स्ट होगा रिफ्रैक्शन, या तो पूरे लेंस से देख लो या कर्व सरफेस ले लें, दो कर्व सरफेस, फर्स्ट कर्व सरफेस, सेकंड कर्व सरफेस, फिर मिरर पे जाएगा, फिर मिरर से वापस फर्स्ट कर्व सरफेस, सेकंड कर्व सरफेस और फाइनली इधर रेज आएगा। तो एक तरह से हमें दो रिफ्रैक्शन, एक रिफ्लेक्शन, फिर दो रिफ्रैक्शन, ये कंसीडर करने हैं। तो ट्राई करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक बार। तो देखें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 45 पे सेंटीमीटर बोल दो या 0.45 मीटर बोल दो, यहां पे लेंस है, लेंस और दूसरा पार्ट कर्व सरफेस का कॉम्बिनेशन इसको कंसीडर कर लेते हैं। कर्व सरफेस के दूसरी तरफ वाटर और इस साइड एयर, तो लेंस कर्व सरफेस का कॉम्बिनेशन बोल सकते हो या दो कर्व सरफेस बोल सकते हो, यहां पे लेंस कंसीडर कर लिया तो लेंस के अकॉर्डिंग 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ऑब्जेक्ट इस साइड रखा हुआ है नेगेटिव साइड तो ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन, इक्वल्स टू 1 बाई एफ, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है 0.3, तो यहां से ये वैल्यू आ गया 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई 0.3 और ये तरह के माइनस 0.45 को लिख दिया 0.9 बाय 2 तो 0.9 ये रह जाएगा बाय 2 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो ताकि एलसीएम ले सके 0.9, तो ये नीचे 0.9 रह जाएगा, 3 माइनस 1 2 तो वी की वैल्यू आ जाएगी 0.9 मीटर, मींस इसकी जो इमेज है इधर कहीं 0.9 मीटर पे मिल रही होगी, इस तरह से रेज जा रही है। अभी जो रेज है इस कर्व सरफेस पे इंसिडेंट हुई तो सेकंड रिफ्रैक्शन यहां से लेना है, तो कर सरफेस से रिफ्रैक्शन लिया तो कर सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए लिखते हैं म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, म्यू टू मतलब जिसमें रेज जानी है 4/3 बाय वी माइनस म्यू वन जहां से रेज आ रही है एयर कंसीडर की हुई है या फिर अपन ने लेंस सेपरेट बीच में एयर और फिर इसका कॉम्बिनेशन लिया है कर सरफेस का, और इस कर सरफेस के लिए ये है यहां पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 0.9 पॉजिटिव डायरेक्शन में, इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 म्यू 2 4/3 माइनस म्यू 1 1 पाई रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.3 था लेकिन 0.3 नेगेटिव साइड, तो ये आ गया 4/3 वी माइनस 1 बाय 0.9 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1/3 बाय 3 और है 0.3 तो माइनस 0.9, ये कैंसिल आउट हो गया तो वी की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट, यहां ये जीरो आ गया था तो v की वैल्यू इनफाइनाइट, v इनफाइनाइट का मतलब रेज इससे पास होने के बाद पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब पैरेलल हो गई तो पैरेलल के करस्पॉन्डिंग देखते हैं, इसको हटाते हैं एक बार और पैरेलल के करस्पॉन्डिंग देखते हैं अब क्या होगा। तो यहां पे ये हुआ कि इससे जो रेज जा रही है ऑब्जेक्ट से यहां से इंसिडेंट हुई, इसके बाद ये पैरेलल पास हो गई, पैरेलल पास हो गई तो मिरर पे जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट करती है, पैरेलल है तो पैरेलल वापस आ जाएगी, इस तरह से आएगी तो सेम पाथ वापस रिट्रेस करेगी, यहीं पे वापस रेज मिलेंगे, तो केवल हमें फर्स्ट दो रिफ्रैक्शन देखने की जरूरत है, बाकी के अकॉर्डिंग सीधा सीधा रेज वापस रिट्रेस हो रही है तो यहीं पे फाइनल इसकी इमेज बनेगी। तो फाइनल इमेज कहां बन रही है, इस लेंस से इस साइड में
तो सब में लेंस से ही पूछा हुआ है, तो लेंस से इस साइड में एयर साइड में 0.45 पे बोलते हैं ऑब्जेक्ट पे, तो 0.45 फ्रॉम द लेंस ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो फाइनली इस पोजीशन पर फाइनल इमेज यहाँ पे बन रही है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में मोर देन करेक्ट क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोल रखा है कि एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, दोनों साइड जो है वो कॉन्वेक्स है, इक्वल रेडियस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, एयर में रखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आइदर साइड का 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसमें पहला तो पूछा हुआ है कि फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ अगर वाटर के अंदर देख रहे हैं तो किस तरह से वेरी होगी, और पावर क्या होगी, ये सारी चीजें पूछी है, देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1/F इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव, एयर के अंदर कैलकुलेट करना है 1.5/1 - 1 / R1, R1 की वैल्यू है 50, -1/R2, R2 की वैल्यू होगी -50, क्योंकि इधर से अगर रेज आ रही है तो इस सरफेस का सेंटर इधर पॉजिटिव रेडियस, इस सरफेस का सेंटर इधर नेगेटिव, तो नेगेटिव ये लिखा हुआ है पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/F इक्वल्स टू 0.5 और ये 2/50, तो फोकल लेंथ आ जाएगा इसका 50 यूनिट, और यूनिट किस में थी, सेंटीमीटर। तो इस कॉन्वेक्स लेंस की, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, सेकंड गलत हो गया। फिर थर्ड में दे रखा है कि फोकल लेंथ इन वाटर विल बी मोर देन फोकल लेंथ इन एयर, अगर वाटर के अंदर होगी तो चेंज यहां पे केवल ये होगा कि यहां पे वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो 1.33 या 4/3, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वैल्यू, ये पूरा वैल्यू देख सकते हैं, चेंज साइन तो चेंज हुआ नहीं, ये रहेगा तो पॉजिटिव ही, लेकिन ये जो वैल्यू है ये पूरा वैल्यू हो जाएगा यहां पे कम, पहले के कंपैरिजन में ये वैल्यू कम हो गया, तो फोकल लेंथ जो है वो इन्वर्टेड कर, उल्टा लिखेंगे वापस, तो फोकल लेंथ की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी सॉरी, क्योंकि ये वैल्यू यहां पे जैसे रखा ये वैल्यू डिक्रीज हुई, ये वैल्यू डिक्रीज हुई तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट। फोर्थ में पूछा है पावर, तो पावर हम कैलकुलेट करते हैं 1/फोकल लेंथ, और 1/फोकल लेंथ है 1/50 सेंटीमीटर, लेकिन पावर अगर डायोप्टर में लिखना है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.5 मीटर, तो ये आ गया 2 डायोप्टर के बराबर, तो इसकी पावर जो है लेंस की वो 2 डायोप्टर के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें 3 कन्वर्जिंग लेंस L1, L2, L3 कंसीडर करने हैं, जिनकी आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही कंसीडर करना है तीनों लेंस का। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ L1 एंड L2 आर μ1 एंड μ2 रेस्पेक्टिवली, पहले लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, दूसरे का है μ2, और थर्ड जो लेंस है उसके लिए बोल रखा है कि अपर हाफ जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो 3 लेंस है, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2, तीसरा दोनों को मिक्स करके बनाया हुआ है, अपर हाफ और लोअर हाफ सेपरेट। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O जो है उसकी इमेज O1 पे बन रही है अगर लेंस L1 है, O2 पर है अगर लेंस L2 है, ठीक है। अब L3 को अगर प्लेस कर दिया तो क्या होगा, तो अगर ये लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 का था तो इससे जो रेज जा रही है वो यहां पे मिल रही है, अगर ये लेंस μ2 का था तो इससे जो रेज जा रही है वो इमेज O2 पे बन रही है, ये सिचुएशन थी, ठीक है। अब थर्ड लेंस रख दिया जिसमें अपर हाफ तो μ1 का है, लोअर हाफ μ2 का है, तो जो हाफ जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है उसी की तरह से बिहेव करेगा, तो अपर हाफ इस तरह से बिहेव करेगा कि रेज जाके कन्वर्ट हो जाए O1 पे, लोअर हाफ इस तरह से बिहेव करेगा कि रेज जाके कन्वर्ट हो जाए O2 पे। तो जब ये लेंथ लेंस थर्ड रखा हुआ है तो रेज इससे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसकी इमेज एक तो O1 पे बननी है, एक O2 पे बननी है, फर्क केवल इंटेंसिटीज पे बोल सकते हैं कि इंटेंसिटीज पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले पूरे से रेज यहाँ पे O1 या O2 पे पहुंच रही थी, अब हाफ से पहुंच रही है तो इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, लेकिन इमेज O1 और O2 दोनों पे बनेगी, इमेज की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ऐसा नहीं कि हाफ इमेज बनेगी कंप्लीट इमेज बन रही होगी। तो ऑप्शंस देखते हैं, द ओनली इमेज विल फॉर्म अवे फ्रॉम O2, तो ये गलत है, एक इमेज नहीं है, सेकंड में भी ओनली इमेज बोल रखा है वो भी नहीं है, देयर विल बी एन इमेज एट O1, तो O1 पे एक इमेज बन रही है, देयर विल बी एन इमेज एट O2, तो O1 और O2 पे एक एक इमेज बन रही है, दो इमेज टोटल बन गई, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3,
इसमें दे रखा है कि एक ए प्रिज्म एंगल है, एक प्रिज्म का जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है। अब पहले ऑप्शन में क्या बोल रखा है कि लाइट विल नॉट इमर्ज आउट फ्रॉम सेकंड सरफेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म की एक सरफेस पे रेज इंसिडेंट भी दूसरी सरफेस से रेज बाहर नहीं आ रही है, कोई सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो अगर ए की वैल्यू इतनी है तो। चेक करते हैं, ये जैसे कोई प्रिज्म, अब इस सरफेस पे रेज इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इस सरफेस पे रेज इंसिडेंट हो रही है, तो यहां से रेज इधर रिफ्लेक्ट इधर सरफेस पे आई और यहां से ये बाहर की ओर नहीं जानी चाहिए। अब इसमें बाहर की ओर नहीं जाने का मतलब है कि ये जो एंगल है R2 बोलते हैं इसको हम, तो R2 की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर I की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊं, I की वैल्यू इंक्रीज करूंगा, तो इसको मैं R1 बोल रहा हूं, R1 की वैल्यू इंक्रीज होगी, R के वन की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो R1 प्लस R2 प्रिज्म एंगल के बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्रिज्म एंगल के बराबर है, A के बराबर है यहां पे। तो अगर R1 इंक्रीज हो रहा है तो R2 डिक्रीज होगा, तो R1 की R2 की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो भी अगर क्रिटिकल से ज्यादा होगी तो उस वाली कंडीशन में कोई भी रे बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं निकल पाएगी। तो R2 की मिनिमम वैल्यू ले ले, तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू ले ले, R1 मैक्सिमम के लिए I की मैक्सिमम वैल्यू ले ले, तो I मैक्सिमम हो सकता है 90, तो I अगर 90 है तो उस टाइम पर R1 मैक्सिमम हो जाएगा और वो थीटा क्रिटिकल के बराबर हो जाएगा, म्यू वन साइन आई कोस म्यू टू साइन आर से लिखेंगे, तो ये वैल्यू थीटा क्रिटिकल के बराबर है साइन इनवर्स 1 बाय म्यू के, R1 की वैल्यू। और जो R2 है उसकी जो वैल्यू है वो क्रिटिकल से ज्यादा है, और ये इक्वेशन देखे तो R1 थीटा क्रिटिकल ले लिया, R2 थीटा क्रिटिकल से ज्यादा है, तो ओवरऑल सम जो है इससे तो ज्यादा ही आएगा ये वन, और ये थीटा क्रिटिकल की वैल्यू, तो 2 साइन थीटा क्रिटिकल इनवर्स 1 बाय म्यू ए से ये कम होना चाहिए, तो ये वैल्यू यहां पे आ रही है, तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसमें। फिर सेकंड पे आए, सेकंड वाले ऑप्शन में द डेविएशन विल बी मिनिमम व्हेन रे इंसिडेंट इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू इट्स बेस, कि अगर मिनिमम डेविएशन के टाइम पर, इसको हटाते हैं एक बार, मिनिमम डेविएशन के टाइम पर देखते हैं कंडीशन, तो मिनिमम डेविएशन के टाइम पर यहां पे R1 और R2 दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी a बाय 2 के बराबर, यहां से रेज आई इस तरह से जा रही है, अगर यहां पर ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो उस वाली कंडीशन में ये पैरेलल हो जाएगी बेस के, लेकिन यहां पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं दे रखा है प्रिज्म के लिए, प्रिज्म इस तरह का भी हो सकता है, नीचे वाली शेप तो कैसी भी उसे मतलब ही नहीं है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि बेस के पैरेलल होना चाहिए मिनिमम डेविएशन के लिए, ये कंडीशन है मिनिमम डेविएशन की, तो सेकंड गलत है, फर्स्ट ठीक हो गया था। थर्ड, डेविएशन विल बी मिनिमम व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज साइन इनवर्स म्यू साइन ए बाय 2, तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा हुआ है मिनिमम डेविएशन के टाइम पर, तो मिनिमम डेविएशन के टाइम पर कंडीशन ये आर वन आर टू इक्वल टू ए बाय 2, और यहां पे स्नेल्स लॉ लगा दिया तो म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, और R की वैल्यू है a बाई टू, फर्स्ट सरफेस पे स्नैच लॉ लगाया तो I की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स म्यू साइन a बाई टू, यही है क्या, तो साइन इनवर्स म्यू साइन a बाई टू, तो थर्ड करेक्ट है। फोर्थ में डेविएशन विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90, तो अभी हम यही देख रहे थे, और दूसरा ये भी है कि यहां पर अगर हम डेविएशन का एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ ग्राफ बनाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ ग्राफ कुछ इस तरह से, मिनिमम डेविएशन आया था जब आई और ई इक्वल है, तो आई की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ा सकते हो उतनी मैक्सिमम डेविएशन, उतना डेविएशन बढ़ता जाएगा, तो मैक्सिमम डेविएशन आएगा जब आई इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू होगी 90, तो मैक्सिमम डेविएशन 90 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर एक व्हाइट लाइट जो है वो यूज कर रहे हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, सेपरेशन स्लिट्स के बीच में यहां पर बी बोल दिया है, तो स्लिट्स के बीच में सेपरेशन जो है वो बी कंसीडर करना है, और स्क्रीन डिस्टेंस डी पर है, स्क्रीन डिस्टेंस डी पर है फ्रॉम द स्लिट, अ पॉइंट
ऑन अ स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, एक स्लिट के बिल्कुल सामने एक पॉइंट को देख रहे हैं, सेंटर इनका जो मिड पॉइंट है वहां से स्क्रीन का सेंटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो ये सेंटर ऑफ स्क्रीन है, इससे एक स्लिट के बिल्कुल सामने, तो ये वाली जो डिस्टेंस है जिसको हम y कंसीडर करते हैं, इसकी वैल्यू हो गई स्लिट विड्थ का हाफ b by 2. अब सर्टेन वेवलेंथ्स आर मिसिंग, सम ऑफ देम मिसिंग वेवलेंथ्स आर, इसके बिल्कुल सामने कुछ वेवलेंथ मिसिंग है इस वाले पॉइंट पर, तो मिसिंग वेवलेंथ कौन कौन सी है, तो यहां पर मिसिंग वेवलेंथ वो होगी जिनके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, या जिनके लिए फेज डिफरेंस पाई का ऑड मल्टीपल हो, या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल हो. तो यहां पे हम पाथ डिफरेंस लिख देते हैं, तो पाथ डिफरेंस y स्मॉल d बाय कैपिटल d लिखते हैं, जहां पे स्मॉल d का मतलब ये होता है कैपिटल d, इसको कंसीडर करते थे, तो इसी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं इन वैल्यूज को. तो इसके करस्पॉन्डिंग y, y की वैल्यू तो हो गई b बाय 2, स्मॉल d ये डिस्टेंस को यूज करते थे, कैपिटल d ये डिस्टेंस होती थी, ये टोटल पाथ डिफरेंस हो गया इस पॉइंट के लिए, और ये टोटल पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिसिंग वेवलेंथ के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होना चाहिए. ठीक है, यहां से मिसिंग वेवलेंथ पूछी है, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई बी स्क्वायर 2 कैंसिल हो गया बाय डी और डिवाइड बाय ऑड नंबर, ये वेवलेंथ आ जाएगी. तो देख लें वेवलेंथ कौन कौन सी, ऑड नंबर क्या क्या होगा, 1 रख सकते हैं, 1 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, 3 रख सकते हैं, 3 के करस्पॉन्डिंग थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, फिर 5 कोई ऑप्शन नहीं मैच होगा, 7 आगे कोई सा ऑप्शन मैच नहीं होने वाला, तो फर्स्ट और थर्ड इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट. अगले पे चले, क्वेश्चन नंबर 5 वाले के अंदर एक इंटरफेरेंस अरेंजमेंट है सिमिलर टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट S1 एंड S2 आर एलिमिनेटेड विद कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो है, सॉरी कोहेरेंट माइक्रोवेव सोर्स जो है वो यहां पे रखा हुआ है, हर एक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10^-6 हर्ट्ज है, सोर्स जो है वो सिंक्रोनस है, जीरो फेज डिफरेंस है इनिशियल, स्लिट जो है उनके बीच में सेपरेशन ये 150 मीटर का दे रखा है, माइक्रोवेव दे रखी है, इसलिए ये जो डी की वैल्यू है ये इंटरफेरेंस के लिए सुटेबल यहां पे रहेगी. अब इंटेंसिटी जो है वो किसी भी थीटा एंगल पे मेजर कर रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, आई नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी बोल रखी है, तो किसी भी थीटा एंगल पर इंटेंसिटी क्या होगी वो निकालनी है. तो देखिए यहां पर थीटा की वैल्यूज जो है वो ज्यादा है, तो इसलिए पार्ट डिफरेंस y स्मॉल d बाय कैपिटल d यहां पे वैलिड नहीं होगा. तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, यहां से रेज जा रही है, यहां से रेज जा रही होगी काफी लार्ज डिस्टेंस पे, तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहां से आगे के पाथ इक्वल, ये जो पाथ है इसको हम बोल रहे हैं पार्ट डिफरेंस, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस. तो देखें ये एंगल यहां पर थीटा है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा क्योंकि ये 90 था, ये थीटा है, ये डी, तो ये डिस्टेंस होगी डी साइन थीटा, तो पार्ट डिफरेंस यहां पर है डी साइन थीटा के बराबर, पार्ट डिफरेंस आ गया. हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, उसके लिए फेज डिफरेंस ही होगा, तो फेज डिफरेंस आ गया डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2π बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स. अब लैम्डा वेवलेंथ कितनी है, तो वेवलेंथ के लिए हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेलोसिटी पता है, तो सी बाय एफ, सी 3×10^8, फ्रीक्वेंसी है 10^6, तो ये आ जाएगा 300 मीटर, 300 मीटर इसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ 300 मीटर आ गई, तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2π/300 और इनटू डी की वैल्यू गिवन है 150 और इनटू साइन थीटा है साथ में, ये फेज डिफरेंस आया, तो फेज डिफरेंस ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो गया, पाई साइन थीटा फेज डिफरेंस आ गया. हमें इंटेंसिटी लिखनी है, तो इंटेंसिटी हम लिखते हैं किसी भी थीटा एंगल पे आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू, तो ये आ गया आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव की वैल्यू है पाई साइन थीटा, ठीक है, बाई टू, एक बाई टू भी, तो ये किसी भी थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी आ गई. अब इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में बोल रखा है कि इंटेंसिटी आई नॉट होगी, थीटा की वैल्यू जीरो है, तो थीटा की वैल्यू जीरो रखोगे ये हो जाएगा जीरो, और कॉस जीरो होता है वन, इंटेंसिटी आ जाएगी आई नॉट, फर्स्ट करेक्ट. सेकेंड इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू हो जाएगी, थीटा 30 डिग्री है,
थीटा 30 लोगे तो साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, तो 1/2 भी आ गया पाई बाय 4, और कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू, कॉस ये नहीं है, कॉस पाई बाय 4 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/√2, स्क्वायर करना है 1/2 हो जाएगा, तो आई नॉट बाई 2 इंटेंसिटी आ जाएगी, ये भी करेक्ट है। थर्ड में इंटेंसिटी आई नॉट बाई 4 90 डिग्री पे, साइन 91 पाई बाई 2 कॉस 90 हो जाएगा 0, जो इंटेंसिटी आ जाएगी 0, तो थर्ड गलत है। आई नॉट इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, वो भी गलत है। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन अपने करेक्ट हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में लाइट इंसिडेंट हो रही है एक सरफेस पे जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, पार्शियली रिफ्लेक्ट और पार्शियली रिफ्रैक्ट हो रही है, शो किया हुआ डायग्राम में, N1 की वैल्यू जो है वो कम है, N2 की वैल्यू ग्रेटर है। तो ऑप्शंस पूछे हुए पहले कि साइन आई की वैल्यू कितनी है, कंडीशन क्या दे रखी है, ये दोनों रेज 90 डिग्री पर है, तो यहां पर ये एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा, ये 90 है, तो ये जो एंगल रह गया ये हो गया 180 माइनस 90 माइनस आई, या 90 माइनस आई हो तो सीधा, तो R की वैल्यू 90 माइनस आई के बराबर है, स्नैच लॉ लगा दिया, म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, और R की वैल्यू आई है 90 माइनस आई, कॉस आई हो गया ये तो कॉस इधर साइन डिवाइड किया, टेन आई इक्वल्स टू एन टू बाई एन वन, ये हो गया। फिर एक क्रिटिकल एंगल भी बोल रखा है, तो क्रिटिकल एंगल होगा साइन थीटा क्रिटिकल इक्वल टू रेयरर अपॉन डेंसर, रेयरर कौन सा है, N1 by N2, तो साइन थीटा क्रिटिकल इक्वल टू N1 by N2, ये तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, ये साइन थीटा आ गया, इससे ऑप्शंस चेक करने हैं। तो पहले हम बोल रखा है कि साइन आई की वैल्यू, टेन आई की वैल्यू है, साइन आई की वैल्यू निकाल दें, तो साइन आई की वैल्यू इसको बोल दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये साइन की वैल्यू हो जाएगी, साइन आई की वैल्यू आ गई, टेन आई की वैल्यू एन वन बाई एन टू अपोजिट है, तो पहला सही है दूसरा गलत है। थर्ड में बोल रखा है कि साइन थीटा क्रिटिकल जो है वो कॉट आई के बराबर है, साइन थीटा क्रिटिकल कॉट आई के बराबर, मतलब इसका उल्टा, एन वन बाई एन टू मैच हो रहा है, सही है। फोर्थ, साइन आई क्रिटिकल, साइन आई क्रिटिकल की वैल्यू तो कॉट आई के बराबर है, सेक आई हो नहीं सकता, ये गलत। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलें, तो सेक्शन डी में देखते हैं। सेक्शन डी में फर्स्ट क्वेश्चन, एक पॉइंट सोर्स है ऑफ लाइट 4 मीटर नीचे रखा हुआ है वाटर सरफेस से, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वाटर का 5/3, मिनिमम डायमीटर एक डिस्क का कितना होना चाहिए जो इस सोर्स के ऊपर रख दें on the water surface to cut off the light comes out from of water. Water से जो light बाहर आ रही है उस light को cut off करने के लिए कितना diameter हमें रखना पड़ेगा एक disc का, वो पूछा हुआ। तो जैसे यहाँ कोई light source रखा हुआ है, ये water, यहाँ से rays जो आएंगी वो सीधी निकल गई, लेकिन थोड़ा angle पे आएंगी वो bend होंगी, और ज़्यादा bend होंगी, लेकिन एक angle ऐसा आएगा जहाँ पे just 90 degree पे चली जाएंगी, critical angle जिसको बोल रहे हैं, इससे आगे जाएंगी तो rays अब TIR हो जाएगा, अंदर ही रह जाएंगे, हमें केवल यहां तक की लाइट रोकनी है, उसके आगे वाली अपने आप रुक जाएगी। अब दूसरे साइड भी यही है, और अगर 3D के अंदर देखेंगे तो ये पूरा एक सर्कुलर रीजन होगा, तो इसलिए इसको कवर करने के लिए हमें एक डिस्क लगानी पड़ेगी ऊपर। तो इस डिस्क का डायमीटर हमें कैलकुलेट करना कितना होना चाहिए, तो देखें डिस्क में ये हाइट तो हो गई वॉटर जितने हाइट तक भरा हुआ है, जिसके नीचे सोर्स जितने हाइट डेप्थ पे सोर्स है, ये वो रे है जो 90 डिग्री पे चली गई थी, तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल है, ये उस डिस्क की रेडियस के बराबर हो गया वैल्यू, ये क्रिटिकल एंगल है तो ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, तो यहां से वैसे तो साइन क्रिटिकल की वैल्यू साइन थीटा क्रिटिकल इक्वल्स टू म्यू रेयरर एयर अपॉन म्यू वाटर 4/3, ये आ जाएगा साइन थीटा क्रिटिकल की वैल्यू, लेकिन यहां पे हमें 10 थीटा क्रिटिकल की वैल्यू चाहिए, तो 10 थीटा क्रिटिकल की वैल्यू हो जाएगी आर बाई एच, और इससे इससे R by H 10 थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये 3/4 है, तो 10 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9,
तो ये वैल्यू आ गई रूट ऑफ एक मिनट, यहां पे ये गलत लिख दिया, ये 4/5/3 है, तो यहां पे आ जाएगा 5² - 3² तो आर बाई एच की वैल्यू आ गई यहां से 3/16 का रूट जो आ गया 4। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ गई 3/4 h और h की वैल्यू गिवन है 4 मीटर, तो 3 मीटर रेडियस होनी चाहिए उस डिस्क की। पूछा क्या है डायमीटर, डायमीटर कितना होना चाहिए डिस्क का मिनिमम डायमीटर, तो डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी रेडियस का डबल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में एक सर्कुलर बीम ऑफ लाइट, डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, वो फॉल हो रही है एक प्लेन सरफेस पे ग्लास पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास का है 3/2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रिफ्रेक्टेड बीम इज नियरली डिजर्व वैल्यू बताना है। तो यहां पर इस ग्लास सरफेस पे एक सर्कुलर बीम इंसिडेंट हुई है, ये इस तरह सर्कुलर है, ये बीम इंसिडेंट हुई, यहां पे इंसिडेंट हुई है, यहां पे ये रिफ्रेक्ट होके चली गई, तो इसमें कैलकुलेट करना है कि रिफ्रेक्टेड बीम का एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखें इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा डायमीटर ज्यादा ले लेते हैं, ड्रॉ ज्यादा कर देते हैं, इसमें ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, ये डायमीटर हमें गिवन है डी बोल देते हैं, ये आई, ये 90 - आई, तो ये एंगल आई हो जाएगा, ये रिफ्रेक्टेड में यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये रिफ्रेक्टेड बीम का ये डिस्टेंस जो है वो, ये आर, ये 90 - आर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आर के बराबर। तो अगर ये डी है इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर देखेंगे डी आई, ये 90 डिग्री था, तो इसका कॉस कंपोनेंट डी के बराबर है, या ये डिस्टेंस जो आएगी डी बाय कॉस आई के बराबर आएगी, क्योंकि इसका कॉस कंपोनेंट डी के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा डी बाय कॉस आई, और ये वैल्यू अगर पता है तो इसका कॉस कंपोनेंट कॉस आर कंपोनेंट ये वैल्यू, तो इसका कॉस आर कंपोनेंट, इसको डी डैश बोल रहा हूं, तो डी डैश की वैल्यू आ गई डी 2 सेंटीमीटर, साइन कॉस आई, आई की वैल्यू है 60 डिग्री, कॉस आर, तो कॉस आर के लिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं साइन आर, तो साइन आई म्यू, म्यू की वैल्यू है 3/2 साइन आर, तो 60√3/2 ये वैल्यू थी, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 इधर रह जाएगा, तो 1/√3 वैल्यू है साइन आर की, साइन आर 1/√3 है, तो कॉस आर कितना हो जाएगा 1 - sin²θ का रूट, तो इसको लिख देंगे 1 - sin²θ का रूट, ये हो गया sin²θ और उसका रूट, और ये वैल्यू है 1/2, तो ऊपर आ जाएगा 4 और ये रह जाएगा 2/3 का रूट, तो ये डिस्टेंस आ गई 4√2/3, रेडियस लिखना है इसका तो ये आ जाएगा हाफ इसका, लेकिन इसकी जैसे ये सर्कुलर था लेकिन ये सर्कुलर नहीं होगा, यहां ये थोड़ा इलिप्टिकल हमें दिखाई देगा, रीजन क्या है देखें यहां से जब देख रहे हैं इस साइड से तब तो रेज ये इस तरह से आ रही थी बेंड होकर चली गई, लेकिन दूसरे साइड अगर हम ऑब्जर्व करें इधर से अगर जो रेज आ रही है इस डायमीटर को अगर मेजर करें, ये डायमीटर तो हमने देख लिया कितना था, इधर वाले डायमीटर को अगर ऑब्जर्व करें तो ये जब रेज आके इंसिडेंट होंगी तो इसी तरह से बेंड होंगी सीधी सीधी, सामने से ऑब्जर्व करें तो ये रेज सीधी गई बेंड होकर अंदर की ओर चली गई, तो इनके बीच में गैप जो है वो चेंज नहीं होगा, तो जब हम इस डायमीटर को देख रहे होंगे इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को, तो ये तो हमें दिखाई दे जाएगा डी डैश, लेकिन इस वाले पोर्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, 3D में अगर देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इधर की ओर वो पहले वाले डायमीटर के बराबर ही है, ये डी के बराबर ही है, इसका एरिया लिखे एलिप्स की जैसे पाई ए बी, पाई ए की वैल्यू हो गई ये था डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 और ये इसका आधा 2√2/3, तो ये एरिया जाएगा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना है नियरली डिजर्व वैल्यू में, तो 3.14 पाई की वैल्यू इंटू 2 का रूट है 1.414, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1.732 / 3,
थ्री से ये अप्रोक्सीमेट 1.05 के अराउंड आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई। तो इसका डबल, ये तो लगभग आ गया 2.1 के अराउंड, और ये 17 × 14 यह आ जाएगा 17, 8, 6 और 17, तो ये अप्रोक्सीमेट है 2.4 के अराउंड। तो 2.4 × 2 लगभग ये वैल्यू आ जाएगी 5 के अराउंड। तो 5 cm² इसका एरिया आ जाएगा इस रिफ्रैक्टेड बीम का, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक डायमीटर ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 6 cm, मतलब जो लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसका डायमीटर, मतलब लेंस जब इस तरह से देख रहे होंगे तो इसका जो डायमीटर दिख रहा है, डायमीटर ऑफ अपर्चर बोल दो, ये डायमीटर है 6 cm का, और थिकनेस जो है वो सेंटर से 3 mm है, ये 3 mm थिकनेस है, सेंटीमीटर में लिखोगे तो 0.3 cm ये थिकनेस है इसकी। फिर स्पीड ऑफ लाइट मटेरियल के अंदर 2 × 10⁸ m/s है, ये म्यू कैलकुलेट करने के काम आएगा, फोकल लेंथ के लिए ये ज्योमेट्री रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने के काम आएगी। तो इस कर्व सरफेस का यहां पे ही सेंटर, ये रेडियस है, ये कुछ डिस्टेंस है, ये टोटल डायमीटर 6 था तो इसको मैं 3 लिख दूं, और ये रेडियस में से थोड़ा सा कम है, डी बोल देते हैं, स्मॉल डी, इसको एक बार के लिए स्मॉल आर बोल देते हैं। तो इस ज्योमेट्री में रिलेशन ये आ रहा है कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर है, और ये क्या है, आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा आर रेडियस, आर माइनस डी, ये स्मॉल आर, तो ये वैल्यू आ गई आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू आर इंटू डी, ये कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू पूछी है तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको उधर ले जाओगे बाद में 2d नीचे डिवाइड में ले जाओगे, ये रेडियस आ जाएगी। d की वैल्यू है 0.3, स्क्वायर करेंगे तो 0.09, r की वैल्यू है 3, 9 डिवाइड बाय 2, d की वैल्यू है 0.3, तो ये वैल्यू हो गई 9.09 डिवाइड बाय 0.6, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट, इसको 9 नहीं ले लो, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.6 से कैंसिल करोगे 90/6, एक बार तो ये लिख दिया 45/3 15/1, तो 15 cm इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, कैलकुलेट करना है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वैक्यूम में अपॉन मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट, वैक्यूम में है 3 × 10⁸, मीडियम है 2 × 10⁸, 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, मी की वैल्यू 3/2, रेडियस आ गया, म्यू आ गया, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 प्लेनो कॉन्वेक्स, अगर इसको r1 ले रहे हो तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, दूसरा वाला नेगेटिव 1/15 आ जाएगा, एक और नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, तो ये हो गया 1/2 1/15, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 cm फोकल लेंथ आ जाएगा, तो फोकल लेंथ इसकी 30 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 4, एक लैंप जो है उसको 6 m दूर रखा हुआ है एक वॉल से, यहां पे एक लैंप ले लेते हैं, ये वॉल 6 m डिस्टेंस पे ये दे रखा है, अब एक लेंस को इनके बीच में रख दिया, लैंप और वॉल के बीच में एट अ डिस्टेंस 1.5 m फ्रॉम द लैंप, यहां पे एक लेंस रख दिया 1.5 m, रियल इमेज ऑफ लैंप इज फॉर्म ऑन द वॉल, यहां से रेज गई, रियल इमेज यहां पे बन रही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ इमेजेस, अब हमें केवल मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज यहां पे बन रही है तो ये डिस्टेंस यू हो गई, ये वी हो गई, तो मैग्निफिकेशन हो गया, वी की वैल्यू हो जाएगी 6 − 1.2 = 4.8 जाएगा, मैग्निफिकेशन लिखते हैं लेंस के अंदर v/u,
बी की वैल्यू है 4.8 प्लस का, यू की वैल्यू है 1.2 माइनस का, तो मैग्निफिकेशन इधर आ जाएगा इसका 4, ठीक है। तो 4 मैग्निफिकेशन आ गया, माइनस 4 मैग्नीट्यूड पूछा है, तो 4 इसका मैग्निफिकेशन आ जाएगा, 4 इसके अंदर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 में एक एयर बबल है ग्लास स्फीयर के अंदर, जिसका स्फीयर का डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर पे अपेयर हो रहा है एयर बबल इनसाइड फ्रॉम द सरफेस नियरेस्ट टू आई, वी आर लुकिंग एट द अलोंग द डायमीटर। इस स्फीयर में डायमीटर के अलोंग जब देख रहे हैं यहां से, तो इसका रेडियस तो दे रखा है 2 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 था। अब यहां से देखने पर वो अपेयर हो रहा है 1 सेंटीमीटर पे, मतलब यहां पे जो रेज जा रही होगी वो रेज 1 सेंटीमीटर पे ऐसे लग रही है कि यहां से जाती हुई है, इस तरह से अपेयर हो रहा है। तो ये बताना है कि इसका रियल पोजीशन कहां पे है, डिस्टेंस ऑफ बबल फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस सरफेस से इसकी डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, कहां पे है। तो यहां पे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे इमेज है, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां से रेज गई है, तो इस सरफेस के लिए हम रिफ्रैक्शन अप्लाई कर दें, तो इस वाले सरफेस पे म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, ये लिखना है। म्यू टू जिसमें रेज जारी होंगी वो है 1 बाय वी, और कितने पे अपेयर हो रहा है, नेगेटिव साइड में 1, तो 1 माइनस का। म्यू वन जिसमें से रेज जा रही है वो है 1.5, यू कहां पे रखा है वो चाहिए अपन को, म्यू टू 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाय रेडियस, इसका सेंटर इधर है, रेडियस नेगेटिव आएगी 2, सारी नेट सेंटीमीटर में चल रही है, तो माइनस 1.5 बाय यू इक्वल्स टू 0.5 बाय 2, तो 1/4 हो गया ये माइनस का, ये इधर आके प्लस 1, तो ये है 3/2 वी इक्वल्स टू 4 माइनस 1, ये हो गया 3 बाय 4, तो 2 कैंसिल, 3 कैंसिल हो गया, एक मिनट, आर की वैल्यू नेगेटिव थी, यहां पे एक और नेगेटिव साइन था, सॉरी, तो एक नेगेटिव साइन यहां पे भी है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये है 5/4 2, तो वी की वैल्यू आ गई 6/5 नेगेटिव, तो वी की वैल्यू है 1.2 सेंटीमीटर नेगेटिव, मतलब इस साइड है, तो इस सरफेस से इनसाइड 1.2 सेंटीमीटर पर वो बबल है, यहां पे वही पूछा था सेंटीमीटर के अंदर, तो ये वैल्यू आ गई 1.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रखा है कि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है 60 डिग्री पे, 1 ऑन 1 फेस ऑफ प्रिज्म एंगल 30 डिग्री है, इमर्जिंग रे जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है इंसिडेंट रे के साथ, मतलब ये डेविएशन हमें गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है प्रिज्म का कितना है, तो यहां पर जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म के अंदर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 60 डिग्री, प्रिज्म एंगल गिवन है 30 डिग्री, ये रेज इस तरह से जा रही होंगी, इमर्जिंग रे और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल गिवन है डेविएशन गिवन, डेविएशन की वैल्यू उसमें आती है आई प्लस ए माइनस, सॉरी, आई प्लस ई माइनस ए, आई की वैल्यू गिवन है 60, इवन डेविएशन की वैल्यू गिवन है 30, प्लस ई माइनस प्रिज्म एंगल गिवन है 30, तो ये 30 रहा इधर, 30 से कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू है 0, तो ये वाला एंगल 0 है, स्नैच लो यहां पे लगाओगे तो ये R2 की वैल्यू, ये भी 0 ही है, R2 अगर 0 है तो R1 की वैल्यू, R1 प्लस R2 इक्वल टू प्रिज्म एंगल है, R2 की वैल्यू 0, तो R1 की वैल्यू प्रिज्म एंगल के बराबर है जो है 30, R1 30 है, I पता है 60, स्नैच लो लगा दिया फर्स्ट सरफेस पे, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू, कैलकुलेट करना है साइन आर जो है 30, ये वैल्यू है √3/2, म्यू 1/2, 2 कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू है √3, और √3 मींस 1.732, ठीक है, तो डेसिमल के 2 प्लेस तक चाहिए, तो 1.73
ये इसका आंसर आ जाएगा। सिक्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन के अंदर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और दो स्लिट के बीच में सेपरेशन है 1 mm, फ्रिंज जो है 1 meter अवे मिल रही है, स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है, कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है और सेकेंड डार्क फ्रिंज जो है वो 1 mm डिस्टेंस पे बन रही है सेंट्रल फ्रिंज से, तो वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूजेस वो बतानी है 10^-7 के अंदर बतानी है कितनी आएगी। तो देखें इसमें वाई डी एस सी में पार्ट डिफरेंस हो गया वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, और अगर ब्राइट फ्रिंज बननी है तो ये लेमडा के मल्टीपल होगा और अगर डार्क फ्रिंज बननी है तो लेमडा बाई 2 के ऑड मल्टीपल होगा। वाई क्या है, स्क्रीन पे सेंटर से डिस्टेंस है, स्मॉल डी क्या है, स्लिट्स के बीच में सेपरेशन है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। तो हमें वाई की वैल्यू गिवन है 1 mm, 1 mm डिस्टेंस पे डार्क फ्रिंज बन रही है, ये 1 mm गिवन है, स्लिट्स के बीच में सेपरेशन भी 1 mm गिवन है, कैपिटल डी की वैल्यू 1 meter गिवन है। तो यहां पर बोल रखा है कि सेकेंड डार्क फ्रिंज बननी चाहिए, सेकेंड डार्क फ्रिंज, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनती है लेमडा बाई 2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 पे डार्क फ्रिंजेस बनेंगी, तो फर्स्ट बनेगी लेमडा बाई 2 पे, सेकेंड बनेगी 3 λ/2 पर, तो ये गिवन है। यहां से लेमडा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो ट्वाइस ऑफ वाई, वाई की वैल्यू गिवन है 1 mm, स्मॉल डी वो भी 1 mm, डिवाइड बाय कैपिटल डी, कैपिटल डी की वैल्यू है 1 meter और एक 3 नीचे आया ये, तो इसकी वैल्यू आ गई 10^-6 2/3 10^-6 -7 में चाहिए तो एक 0 यहां पे शिफ्ट कर दो, तो 20/3 10^-7 मीटर इसमें वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हो गई, 3 से डिवाइड करेंगे 6 18 फिर 6 6, ये वैल्यू आ जाएगी। डेसिमल के 2 प्लेस तक चाहिए तो आगे वाले को राउंड ऑफ कर दो, तो ये 6.67 वैल्यू आ जाएगी इसकी 7th की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो एक लिक्विड में कर रहे हैं और 10th ब्राइट फ्रिंज इन द लिक्विड लाइज वेयर 6 डार्क फ्रिंज लाई इन वैक्यूम। तो जो पोजिशन है वो सेम है 10th ब्राइट फ्रिंज की जो वैक्यूम में, सॉरी मीडियम में है, तो 10th ब्राइट फ्रिंज के लिए हम बोल सकते हैं कि 10 टाइम्स बीटा के बराबर ये पोजीशन है। बीटा हम बोलते हैं लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी के बराबर, 10th ब्राइट फ्रिंज के लिए 10 टाइम्स बीटा। फिर ऐसे ही 6 डार्क फ्रिंज, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए बोलते हैं 0.5 बीटा, तो 6 डार्क फ्रिंज के लिए हो जाएगा 5.5 बीटा, तो 5.5 बीटा। यहां पे लैम्डा किस में, ये वैक्यूम में है, ये मीडियम में था, ये वैक्यूम में, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी ये पोजीशन बोल रखी है। तो एक 10th ब्राइट फ्रिंज मीडियम में, 6 डार्क फ्रिंज वैक्यूम में, वो एक ही पोजीशन पर है, ये कैंसिल हो गए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा लैम्डा, मीडियम को लिख सकता हूं लैम्डा वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैम्डा वैक्यूम, वैक्यूम कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू आ गई यहां से 10/5.5, जिसको बोल सकते हैं 5 से कैंसिल कर दो 1.12, तो ये आ गया 2/1.1, डिवाइड कर दो तो 11, फिर बाकी रहेगा 9 0, 88 के बाद रहेगा 1, और ये आगे वैल्यू लगभग ये 2 के आसपास आ जाएगी, तो 1.82 के अराउंड ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का, ठीक है। तो इसी के साथ अपना पेपर डिस्कशन खत्म होता है। बेस्ट ऑफ लक आगे आने वाले पेपर्स के लिए। थैंक यू।